तो गाइस हेडफोन रिपेयर पार्ट टू में आप लोगों का और एक बार फिर से स्वागत है। इसके साथ साथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SBP एक्सप्लोर में आप लोगों का और एक बार फिर से स्वागत है गाइस। सो गाइस यहां पे मैंने पहले जो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए उसमें मैंने कंप्लीट नहीं किया था और इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। सो मान लीजिए आपका हेडफोन यहाँ से कट हो चुका है और बाकी का हेडफोन का हिस्सा तो इधर रहेगा, और मान लीजिए आपको समझना है बस इस जो ये जो बीच में जो कट है इस कट को आपको कैसे ज्वाइंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको छिल लिया हूँ। छिलने के बाद इसके अंदर आपको दो वायर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक नीला वाला और एक गोल्डन वाला वायर निकला है, इस पार में भी और उस पार में भी, ठीक है। तो इसको आपको जोड़ना है, तो आपको कैसे फिनिशिंग से जोड़ना है, मैं पहले वीडियो में फिनिशिंग नहीं किया था, बस इसको जोड़ के दिखा दिया था, और इस वीडियो में आप लोगों को पूरा फिनिशिंग दिखाऊंगा। इसके लिए यहाँ पे आपको एक पॉलीथीन भी दिख रहा होगा और एक काउची भी दिख रहा होगा। सो गाइस वायर को अच्छे से छील लेना है और ज़्यादातर तांबे को निकाल लेना है, ठीक है। देखिए देख सकते हैं आप, मैं बहुत ही मतलब लंबा छीला हूँ इसको और पहले से थोड़ा ज़्यादा निकाला हूँ इस अंदर का वायर को। अब इस लाइटर से इसको ये जो कलर है इसके ऊपर इस कलर को भी हटाना पड़ेगा, और गाइस ये कलर जो है पहले हिस्से से आपको निकाल लेना है, ज़्यादा मतलब डीपली नहीं लेना है। देखें यहाँ पे थोड़ा सा नीला मैं रख दिया हूँ। अब इस गोल्डन का बारी है, इसको भी यहाँ से देखिए नीचे थोड़ा सा आपको गोल्डन कलर जो है इसको रख लेना है, एकदम मतलब ख़त्म नहीं करना है आपको, थोड़ा सा रख लेना है। और दूसरा वाला हिस्सा का भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा निकाल लेना है, इसको भी आप नीचे थोड़ा सा नीला और गोल्डन वाले को थोड़ा सा गोल्डन कलर नीचे भी आपको रख लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसको दोनों मतलब पूरा आप कर लेंगे ना तो ये क्या होगा, एक के साथ एक सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा तो प्लस माइनस एक हो जाएगा, आपका साउंड नहीं आएगा। सो ये देख सकते हैं अभी इसको जोड़ेंगे, गोल्डन वाले से गोल्डन वाले को जोड़ेंगे और रेड जो नीला वाला है ब्लू कलर का, तो नीला वाला को नीला वाले से ग्रीन वाला है सॉरी ये ग्रीन कलर का है, सो ग्रीन से ग्रीन को जोड़ेंगे और गोल्डन से गोल्डन को जोड़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैं दोनों हिस्से को दोनों तरफ रख लिया और बारी बारी में इसको जोड़ रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही जोड़ना है, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं जोड़ेंगे ना तो आपको क्या होगा, साउंड आएगा, बंद हो जाएगा, फिर से आपको दबाना पड़ेगा, फिर आपको साउंड आएगा। तो इसलिए आपको इसको बारी बारी से जोड़ना है, घुमा घुमा के एक की तरफ एक, और अच्छे से इसको जोड़ लेना है, ठीक है। सो गाइस पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे से अच्छा रिस्पांस पाया हूँ आप लोगों से, तो इसलिए मैं पार्ट टू भी बना रहा हूँ, क्योंकि आपको फिनिशिंग से जोड़ना दिखाना है, ठीक है। इसलिए सो इस वीडियो में आपको यह फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाएगा, और आपका जो हेडफोन ख़राब हो चुका है वो आप बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो। सो गाइस यहाँ पर मैं इसको जोड़ चुका हूँ, और गाइस प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मैं टेक्निकल वीडियोज़ बनाता हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब रिलेटेड। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, आपने अगर यूट्यूब चैनल ओपन किया है और YouTube चैनल में व्यूज़ वगैरह वो और टैग कहाँ से लेना है, थंबनेल कैसे बनाना है, इस टाइप का मैं वीडियो बनाता रहता हूँ YouTube रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, और कभी कभी मैं अनबॉक्सिंग टाइप से वीडियो भी बना देता हूँ और इंटरनेट टाइप से वीडियो भी बना देता हूँ। तो आपको इस टाइप का वीडियो आपको देखना है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं पॉलीथीन ये जो पॉलीथीन है आप सब्जी मार्केट में या फिर कभी भी अगर मच्छी वगैरह खरीदते हैं तो इस पॉलीथीन आपको मिल जाता है। सो इस पॉलीथीन से मैं ये थोड़ा सा लंबा करके एक हिस्सा मैं काट के लिया हूँ, जो काउची आपने देखा था वो उस काटर से मैं इसको थोड़ा सा लंबा करके इसको काट के लिया हूँ, और ग्रीन वाले को इस तरफ और गोल्डन वाले को ऊपर तरफ करके ऐसे रख लेना है, और ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेना है इस टाइप से, जब वीडियो में मैं आप लोगों को जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे करके थोड़ा सा आपको इसको फोल्ड करके लेना है। और ये जो मैंने पॉलीथीन काटा है इस पॉलीथीन को ऐसे इसके साथ लगा के एकदम सटा के, ठीक है, टाइट करके एकदम इसको राउंड से बारी बारी में घुमा लेना है, ठीक है, इसको घुमाना है। अगर आप जितना टाइट कर पाएंगे उतना अच्छा दिखेगा बाद में। तो यही फ़िलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, सो मेरे को कैमरे की तरफ भी देखना पड़ रहा है और इसको भी देखना पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ढीला हो रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो इसको बारी से मतलब टाइट करके आपको घुमा लेना है राउंड करके, जैसे कि बाद में अगर मतलब खुल ना जाए, ठीक है, क्योंकि कान में अगर लगा के रखेंगे तो कभी भी मतलब कहीं पे भी लग सकता है और इसको यहाँ से निकल सकता है, इसलिए आपको इसको टाइट करके मतलब राउंड करके इसको लगाना है।
इसके बाद आपके पास जो लाइटर है, मैंने देख सकते हैं मेरा लाइटर है, इस लाइटर से इसको जला लेना है। तो ये क्या है ना, प्लास्टिक है, तो जब भी इसमें मैं मतलब आग दे रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, जल के एक जगह जम जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको आपको जला लेना है, और जब तक ये पूरा अच्छी तरह से वायर से सट ना जाए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसको जला लेना है और इसको धीरे धीरे वायर के साथ चिपका देना है। सो गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, पहले वाले वीडियो में आप लोगों बहुत ही प्यार दिखाया है मेरे को पहले वाला वीडियो में, पार्ट वन में, तो इसलिए मैं पार्ट टू बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा और कर लेता हूँ। उसके बाद हाथ से ऐसे घुमा लेना है, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे करके लेना है। ऐसे करने से क्या होता है ना, आग देने के बाद प्लास्टिक जो है नरम हो जाता है और उसको राउंड शेप मिल जाता है घुमाने से। तो देख सकते हैं वायर के साथ पूरा चुभ गया है, और यहाँ थोड़ा सा है, अब यहाँ से थोड़ा सा और दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा और आग दे लेते हैं। तो आपको अगर लगता है तो थोड़ा सा आग देना है तो आप फिर भी आग दे सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप ब्लैक कलर कर देंगे तो अच्छा दिख जाएगा। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही।